पंजाब बीजेपी प्रधान अश्विनी शर्मा उत्ते हुए परचे नूं लै के जिथे पंजाब दे हर जिले विच प्रेस कॉन्फ्रेंसां कीतियां जा रही ने उत्थे जिला प्रधान पूनम मानिक की अगवाई हेठ नवां शहर विखे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। इस मौके बीजेपी जिला नवां शहर प्रधान पूनम मानिक ने मीडिया नाल गलबात करदिआं कहा कि पंजाब सरकार दे कैबिनेट मंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने 15 अगस्त समागम दौरान मास्क नहीं पहनया होया सी। पिछले दिन पंजाब कांग्रेस प्रधान सुनील जाखड़ भी नवांशहर विखे एक रैली विच पहुंचे सन अते उस वेले भी सोशल डिस्टेंस दीआं तच्चियां उड़ाईआं गईआं सन कि उन्हां उत्ते सरकारी गाइडलाइनस लागू नहीं हुंदीआं। पर हुण भाजपा पंजाब प्रधान अश्विनी शर्मा ते पंजाब सरकार ने परचा दर्ज कर दिता है। उन्हां सरकार नूं चेतावनी दित्ती है कि जेकर अश्विनी शर्मा उत्ते परचा दर्ज जो कीता है और रद्द ना कीता गया तां पूरे पंजाब विच तिखा संघर्ष कीता जाएगा। मीडिया के देखा भी है कि साढ़े जो प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के श्री अश्विनी शर्मा जी वो घर घर जाके लोगों की समस्यावां सुन रहे थे, लेकिन उन्होंने इन्नी कु उन्हों का की कसूर से कि उन्होंने लोगों की समस्यावां सुनिया कोविड के अंदर उन्होंने परचा कर दिता गया। परचा उन्होंने उस वे करना चाहिए कि पंजाब सरकार जो घर घर दारू वंटी जा रही थी, घर घर शराब की डिलीवरी हो रही थी, उदों उन्होंने परचे करने चाहिए थे। परचे क्या इंसानियत के कामों के परचे होंगे? असं उन्होंने पूछना चाहते हैं कि उन्होंने इंसानियत कितने खत्म हो गई, कितने मर गई है कि उन्होंने कोविड के अंदर भी लोगों को परेशान कर रखे है। लोग अपने अपने काम कर रहे हैं, कामों तो परेशान है, फिर भी लोगों को जीन नहीं देते। पंजाब की जनता इस वे त्राह त्राह कर रही है कि असी कोविड के अंदर कोविड लोगों को काम कर नहीं है, लोग कोरोना के नाल परेशान है, हॉस्पिटलों के अंदर वो बुरी हालत है। तुम कोविड के हॉस्पिटल कोविड के सेंटर से जाके देखो कि लोग उत्ते परेशान हो जाते हैं। अज जे उत्ते MLA या दूजे लोग ने वो क्यों नहीं कोविड सेंटर जाते, उन्होंने भी कोविड सेंटर भेजो। जेडे आम जनता वास्ते कोविड सेंटर बनाए गए हैं, साड़ी जी असी भारतीय जनता पार्टी इस प्रश्न चुकती है कि जेडे आम लोग आम नागरिक कोविड सेंटर जाते उन्होंने हालात जाके देखो, उत्थे जाके बैठने दिल नहीं करता। कल मैं इतने देख रही थी अपने शहर के अंदर एक कोविड की टीम टेस्ट करने वास्ते आई, वो कहते रैपिड टेस्ट किया जाऊगा, रैपिड टेस्ट कहते 15 मिनट के अंदर तुहाडी रिपोर्ट आ जाऊगी, 15 मिनट की रिपोर्ट और वो जी वैलिडिटी 10 डेज़ आ। तुम मैंने एक गल दसो तो 15 मिनट की रिपोर्ट आ जाऊगी क्या, वो ऑथेंटिसिटी वाली कितनी हो? आज लोग परेशान और लोगों ने उन्होंने मतलब गलां खट खट के उन्होंने भजा दिता उस टीम नू, लोगों ने कुंडे नहीं खोले अपने घर, मतलब लोग इस तरह परेशान है पंजाब सरकार दी हरकतों तो, पंजाब सरकार की कारगुजारी। जे तुसी लोगों लिए कुछ करना ही चाहते हो तो कोविड के अंदर कुछ करो, कोविड नू राहत देने लिए कुछ करो। इन्ना राहत कोष आ गया कोविड के अंदर, प्रधानमंत्री मोदी जी ने इन्ने पैसे देते, हूँ थोड़े दिन पहला भी जी वित्तीय आयोग की जी आई है वो 638 करोड़ रुपया उन्होंने ये फिर भेजा, क्या वो पैसा कितने चला जाता, उस पैसे की कितने वरतों हो रही है? असं उन्होंने पूछना चाहते हैं कि सानू उस पैसे की रिपोर्ट तो दे दो, अपना पंजाब सरकार का जो रिपोर्ट कार्ड तो दिखा दो, की करते पे ने। आम जनता परेशान है, असं भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता होने के नाते सू कहने कि सारी जी समस्या लोगों को जाके पुछो। असी राजनीतिक पार्टी तो गलत बोल सकती, कुछ कह सकती, लेकिन आम जनता गलत नहीं कह सकती। अज आम जनता अज मतलब किसानों का धरना है हाईवे जाम की, तो थोड़ी पार्टी उन्होंने समर्थन करती है उन्होंने हक च? देखो किसानों की जी प्रॉब्लम है बहुत वड्डी प्रॉब्लम है ना, असी उन्होंने खड़े भी हाँ, उन्होंने हर पल से चलोंगे भी, लेकिन किसान जी भी जी भी समस्या आऊगी साढ़े पंजाब के अंदर, चाहे वह कांग्रेस सरकार किसी भी वालों आऊगी, पर इस वे पंजाब कांग्रेस की सरकार चल रही है, उन्होंने किसी भी आम नागरिक को भी आऊगी तो असं उन्होंने चलेंगे। नवां शहर तो जतिंद्रपाल सिंह कलेटी रिपोर्ट। हुण समस्या भावें किड्डी भी होवे घबराउण दी लोड़ नहीं, क्योंकि पंडित विखे शास्त्री करनगे तुहाडी हर समस्या दा समाधान। सत समुंदरों पार बैठे भी तुसी एक फोन ते करवा सकते हो कम, जिवें वशीकरण, लव मैरिज, विदेश विच पक्के होना, पिया दी समस्या, संत दुश्मन तो छुटकारा, कर्जा मुक्ति, पति पत्नी विच कलेश, कोर्ट कचहरी, बच्चों का कहने तो बाहर, तुहाडे भैण भरा या प्रेमी प्रेमिका नूं किसे दे वस विचों बाहर कढ़न लई तुरंत पंडित विखे शास्त्री नूं फोन करो 9962987।